हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने लोगड फेसबुक अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। गाइस देखिए, अगर जो आपका भी फेसबुक अकाउंट फेसबुक ने लॉक कर दिया है एंड गाइस आप भी अपने लॉक्ड फेसबुक अकाउंट को अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, सो गाइस आज की यह वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली अपने अकाउंट को अनलॉक कर पाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट के थ्रू एक ऐसा जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप जो अपने अकाउंट को 100% अनलॉक कर सकेंगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड गाइस देखते हैं मैं कैसे अकाउंट यहाँ से अनलॉक करूंगा। गाइस यहाँ पर पहले आप इनका नाम देख लीजिए, इनका नाम है शाहिद एंड गाइस इनका अकाउंट जो है 18 नवंबर को फेसबुक की तरफ से लोड कर दिया गया था एंड गाइस अभी तक अपने अकाउंट को अनलॉक नहीं कर पाए हैं। गाइस हम यहाँ क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड पर एंड गाइस यहाँ लिखा है हाउ टू अनलॉक योर अकाउंट एंड गाइस यहाँ लिखा है कंफर्म दिस इज योर अकाउंट एंड गाइस हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर एंड गाइस यहाँ क्लिक करने के बाद ये दिखाता है कंफर्म योर आइडेंटिटी, यानी गाइस यहाँ पर अकाउंट में जो है कंफर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है, डेट्स वाई यहाँ पर अब तक अपने अकाउंट को अनलॉक नहीं कर पाए हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं कैसे आप जब अपने अकाउंट को अनलॉक करेंगे। गाइस सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को यहाँ से होम बटन दबा के बैक आना है एंड गाइस यहाँ पर आपको क्लियर कर देनी है अपनी सभी फाइल्स। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि गाइस जो सबसे ज्यादा लोड फेसबुक अकाउंट के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड होती है फेसबुक को, गाइस सबसे ज्यादा गाइस इंडिया से ही होती है एंड गाइस जैसा आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, डेट्स व्हाई गाइस फेसबुक के पास जो टीम है गाइस वहां पर काफी गाइस कम हो चुकी है एंड गाइस यहां पर आपकी रिक्वेस्ट जो आप सबमिट करते हैं गाइस इनको गाइस रिव्यू करने के लिए काफी कम लोग हैं वहां पर, डेट्स व्हाई गाइस यहां पर जो है बहुत ज्यादा टाइम लगता है इंडिया वालों को अपना अकाउंट अनलॉक करवाने के लिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसा तरीका बताऊंगा गाइस जिससे आपकी जो है रिक्वेस्ट बहुत जल्दी गाइस अप्रूवल जाएगी एंड गाइस आपका अकाउंट जो है अनलॉक हो जाएगा। गाइस क्या करना है आप सभी को, यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले अपने यहाँ पर जो है प्ले स्टोर ओपन कर लेना होगा। सो गाइस देखिए यहाँ से मैंने जो है अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया है एंड गाइस यहाँ से क्या करना है, आपको प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ गाइस यहाँ पर क्लिक करना है सर्च बार पर एंड गाइस यहाँ पर आपको सर्च करना है वीपीएन। गाइस आप सब यहाँ सर्च करेंगे वीपीएन तो गाइस आप सभी के सामने ये इंटरफेस शो करेगा एंड गाइस यहाँ पर आपको सभी के सामने गाइस कई सारे वीपीएन दिखा देगा। यहाँ पर गाइस आपको जो है वीपीएन जो करना है गाइस यहाँ पर लिखा है टर्बो वीपीएन, गाइस आपको इसी वीपीएन को करना है यहाँ से डाउनलोड। गाइस यहाँ पर जो है मैं इसी वीपीएन को हमेशा जो है इंस्टॉल करने के बाद गाइस इसी गाइस काम करता हूँ एंड गाइस ये वीपीएन आपका गाइस बहुत ही बढ़िया वीपीएन है। गाइस आप जो है कोई अनदर वीपीएन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट यहाँ पर मैं इसको जो है आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है इस वाले वीपीएन को डाउनलोड करें एंड नहीं तो गाइस आप जो है कोई भी कर लेना। सो गाइस यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है एंड गाइस यहाँ पर ये 16 MB का है। सो गाइस यहाँ से मैं एक काम करता हूँ अपना वाईफाई ऑन कर लेता हूँ जिससे कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वाईफाई आपका थोड़ा जल्दी कर लेता है ना इसलिए। तो यहाँ पर मैं अपना वाईफाई ऑन कर लूँगा, वाईफाई मेरा ऑन हो चुका है, कनेक्ट हो गया है वाईफाई मेरा एंड यहाँ पर जैसे आप सभी देख पाएंगे यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर डाउनलोडिंग चल रही है। सो गाइस यहाँ पर मैं इसको पॉज करूँगा एंड गाइस देखते हैं कब तक ये हो पाएगा। सो गाइस यहाँ पर काफ़ी टाइम लग रहा है, मतलब कि वाईफाई भी किसी काम का नहीं है यहाँ पर गाइस, बहुत टाइम लग रहा है, अभी भी 67% ही हुआ है। गाइस वाईफाई 5G है जब भी नहीं चल रहा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं और। सो गाइस देखिए यहाँ पर ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है एंड गाइस देखिए हम क्लिक करेंगे ओपन पर एंड गाइस देखिए यहाँ पर ओपन पर क्लिक करने के बाद ये हमें शिफ्ट कर देगा एक अनदर पेज पर एंड गाइस यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे इस रोम पर एंड गाइस यहाँ पर लिखा आएगा टर्बो वीपीएन एंड गाइस यहाँ पर आप सभी क्लिक करें कनेक्ट पर। सो गाइस यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ कनेक्ट पर एंड गाइस यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे अलाउ पर। गाइस यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो है चल रहा है एंड गाइस यहाँ चलने के बाद ये आपको जो है कनेक्ट होगा एंड गाइस यहाँ कनेक्ट होने के बाद ये मुझको एक ऐड दिखाएगा, तो मैं ऐड यहाँ पर स्किप करूँगा। सो गाइस जैसे आप सभी यहाँ देख पाएंगे मैंने यहाँ पर कर लिया है इसको स्टार्ट एंड गाइस जैसे आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी जो है 19 सेकेंड हो चुके हैं यहाँ पर ये आपका लगे हुए। गाइस यहाँ पर हम क्लिक करेंगे US पर, तो गाइस यहाँ क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने ये दिखाएगा इंटरफेस। गाइस आप सभी क्लिक करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स पर एंड गाइस यहाँ पर आप सभी के सामने कई सारी लोकेशंस दिखाएंगे। गाइस यहाँ पर आप जो है वॉशिंगटन को गाइस चूज़ करेंगे, गाइस अमेरिका में काफ़ी कम प्रॉब्लम चलती है ये, तो गाइस यहाँ पर हम जो है वॉशिंगटन को लेंगे। तो गाइस जो मैंने बोला है आपको गाइस वही करना है, यूनाइटेड स्टेट पर जाना है एंड गाइस यहाँ पर आप क्लिक करना है वॉशिंगटन पर। सो गाइस यहाँ पर मैंने वीपीएन कनेक्ट कर लिया है एंड गाइस जैसे यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे यूनाइटेड स्टेट वॉशिंगटन से यहाँ पर मैंने कनेक्ट करा है एंड गाइस आप यहाँ पर जो है यूनाइटेड स्टेट वॉशिंगटन का ही वीपीएन लगाने वाले हैं। गाइस देखिए करने के बाद क्या करेंगे आप सभी को, गाइस यहाँ से जो है बैक आ जाना होगा। गाइस देखिए यहाँ से बैक आने के बाद गाइस देखिए क्या करना है आप सभी को, यहाँ से अपने जो है पूरी जो गाइस जो भी आपकी फाइल है गाइस सभी क्लियर कर देनी होगी एंड गाइस जैसे यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे स्टिल यहाँ पर जो है मेरा चल रहा है वीपीएन एंड गाइस यहाँ पर आपका वीपीएन जो है चलता रहना चाहिए। अब वैसे क्या करना है आप सभी को, गाइस यहाँ से आपको जो है थोड़ा नीचे आना है एंड गाइस यहाँ पर आपको जो है अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना होगा। सो गाइस देखिए यहाँ पर मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ एंड गाइस देखिए क्या करना है आप सभी को, यहाँ पर गाइस क्लिक करना है सर्च बार पर एंड गाइस यहाँ पर आपको जो है सर्च करना है फेसबुक।
गाइस देखिए यहाँ पर मैं सर्च कर लूंगा फेसबुक, एंड गाइस आप सब यहाँ क्लिक करेंगे अपने फेसबुक के ऐप पर। एंड गाइस यहाँ पर आप थोड़ा नीचे जाएंगे, एंड गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेवलपर कॉन्टैक्ट। गाइस आप सब इस पर क्लिक करेंगे, एंड गाइस देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ईमेल के ऑप्शन पर। सो गाइस यहाँ पर हम ईमेल पर क्लिक कर देंगे। गाइस मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इंडिया से ज़्यादा रिक्वेस्ट जाती है, डेट्स वाई यहाँ पर जो है टाइम लगता है अकाउंट अनलॉक होने में, एंड यहाँ पर जो है रिप्लाई मिलने पे। बट गाइस यहाँ पर जो है जगह आपको अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, गाइस कई सारे आपके ऐसे गाइस कंट्री हैं जहाँ पर गाइस ये प्रॉब्लम गाइस ना के बराबर मिलेंगी। सो गाइस हम जो है यहीं से गाइस सेंड करेंगे, एंड गाइस यहाँ पर जो अमेरिका का जो भी गाइस आपका फेसबुक सपोर्ट टीम रहेगा वे गाइस हमारी रिक्वेस्ट देखकर गाइस हमारा जो है जल्दी काम हो जाएगा, एंड गाइस यहाँ पर जो हमारा अकाउंट जल्दी से अनलॉक हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है सब्जेक्ट पर, एंड गाइस यहाँ पर आप लिखेंगे रिक्वेस्ट टू अनलॉक फेसबुक लोड अकाउंट। गाइस आप सब यहाँ पर ये लिखेंगे, एंड गाइस देखिए यहाँ पर ये लिखने के बाद क्या करना है आप सभी को, गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करना है कंपोज के ऑप्शन पर। एंड गाइस देखिए यहाँ पर लाकर आप सभी को अपनी वही चीज़ लिख देनी है गाइस जो मैं आपको लिख कर दूंगा। सो गाइस पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एंड देन गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है। सो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है जो भी गाइस आपको यहाँ पर डालना है। गाइस देखिए ना इससे ज़्यादा ना गाइस इससे कम, गाइस आपको इतना ही डालना है। गाइस यहाँ मैंने डाल दिया कि मेरा अकाउंट लोड हो गया है, कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ मेरा अकाउंट जो अनलॉक कर दीजिए। अब गाइस देखिए आप अकाउंट ये अनलॉक कर देंगे, बट गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा अपने गाइस इन्फॉर्मेशन भी सबमिट करनी होती है। जैसे गाइस यहाँ पर आपको जो है अपना यूजर नेम डालना है, तो गाइस इनका नाम है शाहिद। सो गाइस यहाँ पर मैं डाल दूंगा शाहिद इनका नाम है, तो गाइस यहाँ मैंने इनका नाम डाल दिया शाहिद। एंड गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है, एंड गाइस यहाँ पर आपको गाइस यहाँ पर डेट डालनी है जो भी गाइस डेट ऑफ लोड, गाइस यहाँ पर जब भी आपका लोड हुआ था गाइस उसकी डेट डालनी है आप सभी को। तो गाइस यहाँ पर जो है इनका हुआ था 21 नवंबर, 21 नवंबर, एंड यहाँ पर गाइस 2021 में, गाइस यहाँ पर इनका हुआ था 2021 में। एंड गाइस यहाँ पर मैं एक बार क्रॉस चेक भी करना चाहूँगा, क्या पता यहाँ पर कुछ गलती से हम जो डेट गलत ना लिख दें। तो गाइस यहाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इनका डेट यही है क्या। सो यहाँ पर गाइस इनका जो है 18 नवंबर है, 21 नहीं है, 18 नवंबर है। तो गाइस यहाँ पर मैं 18 नवंबर डाल देता हूँ, तो गाइस यहाँ पर जो है मैंने डाल दिया है इनका 18 नवंबर। एंड गाइस यहाँ पर आप भी जो है डाल देंगे, एंड गाइस क्या करना है आप सभी को, गाइस यहाँ पर आपको क्लिक करना है अटैच के ऑप्शन पर। एंड गाइस देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सभी गाइस क्लिक करेंगे अटैच या फाइल पर। एंड गाइस यहाँ पर आपको अपना वही स्क्रीनशॉट डाल देना होगा जो गाइस आप सभी ने लिया होगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने इनका अकाउंट का ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, सो गाइस देखिए यहाँ पर मैं इनका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। सो गाइस यहाँ पर मैंने इनका स्क्रीनशॉट गाइस डाल दिया है, एंड गाइस आप भी यहाँ पर जो है अपना स्क्रीनशॉट डाल देंगे। अगर देखिए यहाँ पर हमने जो है कनेक्ट करा हुआ है अमेरिका से, गाइस हमारे काफ़ी ज़्यादा चांस है कि यहाँ पर हमें रिप्लाई जल्दी देखने को मिलेगा, एंड गाइस हमारा अकाउंट जो है जल्द से जल्द गाइस अनलॉक करा जाएगा। सो गाइस देखिए यहाँ हम क्लिक करेंगे सेंड के ऑप्शन पर, एंड गाइस यहाँ क्लिक करने के बाद हम सभी गाइस यहाँ सेंड कर देंगे। बट गाइस यहाँ पर मैं इसको सेंड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा ईमेल एड्रेस है। जब भी गाइस आप सभी ये प्रोसेस करेंगे तो गाइस यहाँ पर आप जो है अपना ही ईमेल एड्रेस डालेंगे गाइस जो भी आपके लोड फेसबुक अकाउंट में लिंक है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपका अकाउंट डायरेक्टली ही अनलॉक करा जाएगा। डेट्स वाई यहाँ पर गाइस आप जो है अपना ही गाइस ईमेल डालेंगे। अगर जो गाइस मुझे यहाँ पर इनका कोड चेंज करना होता है, यानी कि मुझे कन्फर्म योर आइडेंटिटी की जगह यहाँ मुझे गेट अ कोड बाय ईमेल का ऑप्शन लेकर आना होता, तो यहाँ पर गाइस मैं अपना ही डालता, या गाइस मुझको जो है एक्सेस लिंक चाहिए होती। बट गाइस यहाँ पर मुझको जो है इनका अकाउंट डायरेक्टली ही अनलॉक करवाना है, तो गाइस यहाँ पर इन्हें जो है अपना ही गाइस यहाँ पर जो है ईमेल डाल देनी होगी। सो गाइस आप सभी ऐसे करेंगे, एंड गाइस यहाँ क्लिक करने के बाद आप सभी गाइस सेंड पर क्लिक करेंगे, एंड गाइस यहाँ पर आप जो है इसको सेंड कर देंगे। सो गाइस देखिए आपका सेंड हो जाएगा, मैंने सेंड नहीं करा है क्योंकि गाइस यहाँ पर मुझको जो है डायरेक्टली अनलॉक करवाना है। एंड गाइस यहाँ पर गाइस ईमेल वही होना चाहिए जो गाइस आपके लोड फेसबुक अकाउंट में लिंक है, जिससे गाइस ये आपको जो है कंफर्म कर सके कि हाँ ये आप ही का अकाउंट है। सो गाइस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, गाइस आपका अकाउंट जो है डेफिनेटली गाइस अनलॉक हो जाएगा। गाइस यहाँ पर हमने वीपीएन लगाया था अमेरिका में, एंड गाइस अमेरिका में यहाँ पर यह प्रॉब्लम कम से कम देखने को मिलती है। सो गाइस यहाँ पर हमारे चांसेस काफी है कि हमारा अकाउंट जो है जल्द से जल्द जो है अनलॉक करा जाएगा। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम। एंड गाइस अगर जो आप चाहते हैं कि मैं आपका अकाउंट अनलॉक करूँ, तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं अकाउंट जो अनलॉक करके आपको दूंगा। थैंक यू।